वक्ताओं ने सब कुछ बता दिया है, बाबा साहब का गुणगान यहाँ कर दिया है, लेकिन चंद शब्दों के माध्यम से मैं भी बाबा साहब के संघर्ष में जीवन पर कुछ बोलना चाहूंगा कि जिल्लत भरी जब जिंदगी जीने को हम मजबूर थे, जिल्लत भरी जब जिंदगी जीने को हम मजबूर थे, तब एक फरिश्ता आया और कहा ये जिंदगी क्या जिंदगी जो जी रहे तुम जिंदगी, और जिंदा दिली हमको रास्ता दिखला गया। ऐसा थे हमारे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। तो मैं बाबा साहब की 127वीं जयंती के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। आदरणीय बंधुओं, जैसा कि सभी आप जानते हैं, परम पूजनीय बाबा साहब का गुणगान पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से हो रहा है। उनकी जयंती पूरे वर्ष भर किसी गली मोहल्ले, किसी गांव, शहर, देश प्रदेश में ना होकर पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। एक ऐसे वो मानव भाव महापुरुष वो है जिनकी जयंती पूरे वर्ष भर मनती है और देश प्रदेश और विदेशों में भी मनाई जाती है। आदरणीय बंधुओं, 14 अप्रैल 1891 को तत्कालीन महाराष्ट्र के मऊ छावनी में एक ऐसे सूर्य का उदय हुआ जिसकी रोशनी गरीबों, शोषितों, दलितों और पीड़ितों की झोपड़ियों पर पड़ी। उस मनोभाव को, उस महापुरुष को हम बड़े गर्व के साथ आज संविधान निर्माता, नारी समाज के मुक्तिदाता, ओजस्वी वक्ता, त्रिकांड पंडित, परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के नाम से जानते हैं। आदरणीय साथियों, एक समय था जब इस देश में मनु का विधान लागू था, एक समय था जब हमारी माताओं को आभूषण पहनने का अधिकार नहीं था, हमारी दादी, हमारी परदादी जिनको आभूषण पहनने का अधिकार नहीं था, जिनको पैसे रखने के अधिकार नहीं थे, एक समय था इस देश के साथ में कुएं, तालाब, नहरों, स्कूलों के दरवाजे, सुकूनों के दरवाजे हमारे लिए बंद थे। आदरणीय बंधुओं, एक समय था कि जब हम किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं जा सकते थे, लेकिन परम पूजनीय बाबा साहब ने अपने कलम के विधान से संविधान में वो हक और अधिकार दिए जिसकी बदौलत आज हम फल फूल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बाबा साहब को विद्यालय में एडमिशन के लिए 4-5 शर्तें लगाई गई थी, लेकिन आज बाबा साहब की बदौलत हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि जहां बाबा साहब के लिए शिक्षा देने के लिए मना कर दिया गया था, आज बाबा साहब की बदौलत हम शिक्षा देने वाले बन गए हैं। तो ये सिर्फ बाबा साहब की बदौलत हो पाया है। मैं आज बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज मैं इस मुकाम पर हूं तो किसी देवी देवता, पीर, पैगंबर, रामकृष्ण की बदौलत नहीं, अगर बदौलत हूं तो परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की बदौलत। तो मुझे बड़ा फख्र होता है, गर्व होता है कि आज हमारे लोग बाबा साहब के उस महान कार्य की बदौलत बड़े बड़े उच्च पदों पर बैठे हैं। लेकिन शर्म भी आती है ये देखते हुए कि आज यहाँ बाबा साहब के सम्मान में हमारे शिक्षक साथी नहीं पहुंच पाए हैं। बाबा साहब ने अपने अंतिम समय में ये कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया और वही मैं यहां देख पा रहा हूं। बड़ा दुख होता है यह सुनकर कि बाबा साहब की बदौलत हमें नौकरी मिली, बाबा साहब की बदौलत हमारे लिए सुकूनों के दरवाजे खुले, बाबा साहब की बदौलत आज हम उच्च पदों पर बैठे हैं। लेकिन बड़ा दुख भी होता है कि बाबा साहब को हम भूले बैठे हैं। आदरणीय बंधुओं, आज बाबा साहब की शरण में आने की हमें जरूरत है। एक समय था जब बाबा साहब को बैलगाड़ी से नीचे उतार दिया गया था, लेकिन आज हमारे भाई, हमारे साथी, हमारे बंधु हवाई जहाजों में सफर कर रहे हैं। यह सब सिर्फ बाबा साहब की बदौलत हो पाया है। लेकिन फिर भी हम बाबा साहब को भूले बैठे हैं। बाबा साहब ने सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ किया। अभी यहां चर्चा कर रहे थे कि बाबा साहब को हृदय विदारक विदारक घोर यातनाओं का सामना करना पड़ा, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी बाबा साहब ने संघर्ष किया। लेकिन बाबा साहब को जब कलम की ताकत से आगे बढ़ने का, कुछ करने का, लिखने का मौका मिला, तो बाबा साहब ने बदला नहीं लिया। बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए वह कर दिखाया जो आज हम देख रहे हैं। समता मूलक समाज की स्थापना के लिए अगर कोई जाने जाते हैं तो वो है परम पूजनीय बाबा साहब। संत स्वतंत्र ना बंधु पाता का संदेश अगर दिया है तो वो है बाबा साहब। तो ऐसे महापुरुषों को हम क्यों भूले बैठे हैं। आज अगर देश की राजधानी या देश में अगर चर्चा होती है या राजनीति
तो वो है परम पूजनीय बाबा साहब और दलित वर्ग। ऐसा क्यों हो रहा है? हम सभी शिक्षक वर्ग, सभी सम्मानित यहाँ शिक्षक प्रभुजन यहाँ बैठे हैं, क्योंकि शिक्षक एक देश का, बच्चे के भाग्य का निर्माता होता है और शिक्षक समाज को बहुत ही जागरूकता की जरूरत है। लेकिन फिर भी हम कहाँ जागरूक हैं? आज यहाँ बाबा साहब के सम्मान में हम नहीं पहुंच पाए, बड़ा दुख हो रहा है मुझे देखते हुए सुनते हुए। आदरणीय बंधुओं, कुछ लोग थे जो वक्त के साय में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के साय में ढल गए, लेकिन कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे भी बदल गए। ऐसे थे महामानव बाबा साहब जिन्होंने वक्त के साय में ढल कर वक्त के सांचों को भी बदल दिया। बाबा साहब ने अधिकार और संविधान में लिखकर वे सब कुछ कर दिया जो आज हम ये देख रहे हैं। मैं एक गाने के माध्यम से बाबा साहब का गुणगान करना चाहूंगा, 2 मिनट का है अगर इजाजत हो प्रदान की हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथी चर्चा कर चुके थे कि बाबा साहब की धर्मपत्नी माता रमाबाई ने भी बहुत संघर्ष किए, क्योंकि किसी भी पुरुष को अगर बुलंदियों पर पहुंचाने का जो कार्य होता है तो उसमें उनकी धर्मपत्नी, उनकी अर्धागिनी एक स्त्री का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो बाबा साहब को इस मुकाम पर पहुंचाने पर उनकी धर्मपत्नी माता रमाबाई का बहुत योगदान था। उन्होंने महाराष्ट्र की गलियों में उपले गोबर पात कर, उपले बेच कर अपने बच्चों को लालन पालन किया। बाबा साहब तो विदेश चले गए थे शिक्षा के लिए, बाबा साहब को विदेश जाना हुआ, पैसों की कमी थी, अभाव था, लेकिन माता रमाबाई ने उपले बेचकर बाबा साहब की सहायता की, बच्चों का लालन पालन वहां किया। लेकिन बाबा साहब का 4 जो औलादे थी उनमें से सबसे छोटा उनका बेटा था राज रतन, जिनको वो बहुत लाड प्यार करते थे और उनको कहते थे कि आपको बहुत महान बनना है। लेकिन पैसों के अभाव में बीमारी के कारण उस राज रतन जो उनका लाडला बेटा था उनकी भी मृत्यु हो गई। और उसी दिन बाबा साहब को गोलमेज सम्मेलन में लंदन जाना था, क्योंकि लंदन में बाबा साहब को हमारे करोड़ों दलितों, शोषितों और पीड़ितों की हक की आवाज वहां उठानी थी। एक तरफ बाबा साहब का राज रतन बेटा जो सबसे लाडला बेटा, और एक तरफ बाबा साहब के वो करोड़ों लोग जो हम यहाँ बैठे हैं जिनकी हक और अधिकारों की लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी। आज हमारे बच्चे को अगर पैर में कांटा लग जाता है तो हमें बड़ा दुख होता है, लेकिन बाबा साहब के 4 औलादे उन्होंने कुर्बान कर दी, लेकिन फिर भी हम नहीं समझ पा रहे कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। बाबा साहब वहां गए और हमारे करोड़ों लोगों के लिए, भाई बहनों के लिए आवाज बुलंद की और गांधी जी के सामने और अंग्रेजों के सामने कहा कि मैं अपने करोड़ों दलितों और शोषितों पीड़ितों की व्यथा आपको सुनाना चाहता हूं। और सुनो, एक गाने के माध्यम से बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब लंदन में गए और अंग्रेजों को अपनी व्यथा सुनाई। लंदन में अंग्रेजों से बोले भीम ज्ञानी, भारत के दलितों की सुन लो कहानी, भारत के दलितों की सुन लो कहानी। बोले भीम बाबा हिंदू कर मन मानी, बोले भीम बाबा हिंदू कर मन मानी, कुएं तालाब से हम ले न सक पानी, सड़कों पे चलना रोके सुन लो कहानी, भारत के दलितों की सुन लो कहानी। बाबा साहब ने अंग्रेजों के सामने अपने उन करोड़ों दलितों, शोषितों, वंचितों की आवाज उठाई और बताया कि देखो, देश में सूत्रों के साथ हमारे छोटे भाई बहनों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है। की मेलों में जाने नहीं देते, सार्वजनिक मेलों में जाने नहीं देते, होटलों में खा
की सुन लो कहानी, भारत के दलितों की सुन लो कहानी। मंदिरों में हिंदू जरा खोपले गाते, मंदिरों में हिंदू जरा खोपले गाते। महावीर अछूत दर्शन करने नहीं पाते, कुत्ता बिल्ली चूम लेते हो, कुत्ता बिल्ली चूम लेते हमसे फिर न मानी। भारत के दलितों की सुन लो कहानी, भारत के दलितों की सुन लो कहानी। लेकिन बाबा साहब ने भी वहां कसम खाई थी कि मैं उन करोड़ों दलितों भाई बहनों के लिए यहां लड़ाई लड़ूंगा। जुर्म न सहेंगे इनके बोले भी मिजानी, जुर्म न सहेंगे इनके बोले भी